नमस्कार, इनफिलिस्ट बॉलीवुड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2020 में कई फिल्में आ रही हैं बॉलीवुड के कई स्टार्स के। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एक्शन मूवी के बारे में जो कि साल 2020 में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली फिल्म के बारे में बात करें जो कि सबसे पहले साल 2020 में एक्शन मूवी के तौर पर रिलीज की जाएगी, वो है तानाजी। जी हाँ दोस्तों, तानाजी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो रिलीज कर दिया गया है और फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर, उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म में एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर फिल्माए जाएंगे और फाइनली ये एक एक्शन पैक मूवी होने वाली है। स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो सिंघम अजय देवगन नजर आएंगे, उनके अपोजिट लीड रोल में काजोल देवगन नजर आएंगी, साथ ही साथ इस फिल्म में सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात की जाए अगली फिल्म के बारे में तो जिस फिल्म का नाम है क्रिश 4। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि क्रिश के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिश में जो एक्शन सीन्स हैं वो हम शायद ही फुल पाएंगे। दोस्तों फिल्म में जो एक्शन सीन्स फिल्माए गए हैं वो काफी अलग अलग तरीके से अलग अलग विजुअल्स में फिल्माए गए हैं। दोस्तों ऋतिक रोशन के बारे में बात की जाए तो एक्शन स्टार माने जाते हैं बॉलीवुड के। तो दोस्तों एक बार फिर से क्रिश 4 में एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर करते हुए नजर आएंगे एक्शन स्टार ऋतिक रोशन। तो दोस्तों फाइनली ये फिल्म यानी कि क्रिश 4 भी एक्शन पैक मूवी होने वाली है। दोस्तों अगली फिल्म के बारे में बात की जाए तो जिस फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। जी हाँ दोस्तों, सूर्यवंशी में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार नजर आएंगे लीड रोल में एटीएस ऑफिसर की भूमिका में। वहीं दोस्तों बात की जाए अभिनेत्री के बारे में तो आपको बता दें कि खिलाड़ी कुमार के अपोजिट लीड रोल में कटरीना कैफ नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कटरीना कैफ और खिलाड़ी कुमार की जोड़ी एक बार फिर से नजर आएगी सूर्यवंशी में। दोस्तों सूर्यवंशी की सबसे खास बात ये है कि अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में बॉलीवुड के 2 बड़े स्टार भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 स्टार जो नजर आएंगे वो फिल्म के क्लाइमेक्स में नजर आएंगे। दोस्तों ऐसी बॉलीवुड में खबरें हैं। दोस्तों बॉलीवुड में खबरें जो है फिल्म को लेकर के वो ये है कि ये एक एक्शन पैक मूवी होने वाली है। इस फिल्म में एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर फिल्माए जाएंगे और दोस्तों फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसमें खिलाड़ी कुमार नजर आएंगे, साथ ही साथ इस फिल्म में रणवीर सिंह और अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जैसा कि 3 बड़े स्टार नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के, तो फाइनली ये एक एक्शन पैक मूवी होने वाली है। तो वहीं दोस्तों बात की जाए अगली फिल्म के बारे में यानी कि चौथी फिल्म के बारे में तो जिस फिल्म का नाम है राधे। जी हाँ दोस्तों, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए स्टार कास्ट के बारे में तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान नजर आएंगे राधे की भूमिका में, उनकी अपोजिट लीड रोल में दिशा पाटनी नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर फिल्माए जाएंगे। दोस्तों फिल्म राधे का ऑफिशियल टीजर भी रिलीज कर दिया गया है और फिल्म का जो टीजर है वो एक्शन से भरपूर है। सलमान खान गन से फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं और फिल्म का जो टीजर रिलीज किया गया है जिससे देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि फाइनली ये एक एक्शन पैक मूवी होने वाली है जो कि साल 2020 में रिलीज की जाएगी ईद के शुभ अवसर पर। आपको बता दें कि राधे की शूटिंग शुरू कर दी गई है और फिल्म की शूटिंग इन दिनों मुंबई के खूबसूरत लोकेशन में जोर शोर से की जा रही है और जल्दी आप लोगों के बीच राधे का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बात की जाए अगली फिल्म के बारे में यानी कि पांचवी फिल्म के बारे में बात की जाए तो जिस फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन नजर आएंगे, उनके अलावा संजय दत्त नजर आएंगे, साथ ही साथ इस फिल्म में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और प्रीति चोपड़ा नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर फिल्माए जाएंगे। दोस्तों फिल्म की शूटिंग अपडेट की माने तो फिल्म की जो शूटिंग से जो खबरें हैं, जो बॉलीवुड में खबरें हैं वो ये है कि जो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर फिल्माए जाएंगे। दोस्तों जैसा कि बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस फिल्म में संजय दत्त नजर आते हैं वो एक एक्शन पैक मूवी होती है फाइनली। तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आ रहे हैं तो दोस्तों ये फिल्म यानी कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फाइनली एक्शन पैक मूवी होने वाली है। तो दोस्तों ये वो है 5 फिल्में जो कि बॉलीवुड की छवि बदल देंगी जब ये फिल्में रिलीज होंगी। तो दोस्तों आप हैं कितना एक्साइटेड इन सभी फिल्मों के लिए? इन सभी फिल्मों के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, आप क्या क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी सी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर और कमेंट करें अगर कुछ कहना चाहते हैं इन सभी फिल्मों के बारे में। धन्यवाद।